किन किन लोगों ने, कौन थे आर्यन हिंदुस्तान में, ये जो गिरिराज टाइप के लोग हैं, ये आर्यन आइडियोलॉजी के लोग हैं जो हमेशा हिंदुस्तान की जो मूल लोग थे आदिवासी, उनको इन लोगों ने जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। इस हिंदुस्तान का इतिहास राइटर और हिंदुस्तान के संस्कृति को बचाने और बनाने वाले इस मूल के आदिवासी, दलित, कमजोर और गरीब लोग हैं। चाहे रामायण के राइटर्स हो वाल्मीकि, चाहे महाभारत का राइटर्स हो दलित, इस हिंदुस्तान में जितनी संस्कृति की उत्पत्ति हुई उसमें गरीब दलितों का भूमिका 100% ऊपर है। तब कोई इस्लाम और बौद्धिज्म नहीं था। इन्हीं गिरिराज टाइप के मनुवादी लोगों के सताने के कारण बौद्ध की आइडियोलॉजी आई और फिर हिंदुस्तान के लोगों ने बौद्ध को अपनी जिंदगी बनाई। और फिर जब हिंदुस्तान ये शेख सैयद गिरिराज जी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत दलित बैकवर्ड से ही कन्वर्टेड है, इस्लाम भूमिहार समाज से सैयद, राजपूत से पठान और खान, दलित बैकवर्ड से शेरशाहवादी सुरजापुरी, ये मुसलमान मेरा खून है, दलित मेरा खून है, ये वो लोग बोलते हैं जिसने हिंदुस्तान की मनुवादी को पैदा किया और आज भी हिंदुस्तान को टुकड़ा करना चाहता है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर करना चाहिए, जो संविधान के कखरा को नहीं पढ़ा और जो बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों को भी गाली दी, वाल्मीकि को अलग किया, कबीर को गाली दिया, बुद्ध को नहीं माना, नानक को नहीं माना, महावीर को नहीं माना, गांधी को नहीं माना, ये गोडसे के लोग हैं और देश तोड़ने वाले हैं। इन लोगों के लिए वतन में कोई जगह नहीं। सर, मैं भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूं। आपको अपनी सरकार बनाने आई तो 9 साल जेल में रहने वाले अजय चौटाला जी को 12 घंटे में निकाल लिया, और हरियाणा में सबसे बड़े घोटाला टीचर्स के जिन पर आरोप थे उन्हीं के दल में मिलके आप सरकार बना ली। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, अजीत पवार जी पर आप ही ने आरोप लगाया था और कहा था जेल में सरा देंगे, सरकार बनाने के लिए आपने अजीत पवार जी को क्लीन चीट दे दी या अजीत पवार जी का उसमें कोई भूमिका नहीं थी, आपने जबरदस्ती अजीत पवार को फंसाया था? तो फिर यही नहीं जोगी, यही नहीं कितने घोटाले हथियार बेचने से लेकर के चीजों में, और तो और पोर्न देखने वाले कर्नाटक में मंत्री, और खान घोटाले में रहने वाला और वर्तमान मुख्यमंत्री जदप्रप्पा जेल में रहने वाला जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा, वो मुख्यमंत्री सूप बाजे तबाजे चलनियों बाजे शीशे के घर में रह करके आईना दिखाने वाला और 12 घंटे के अंदर पेरोल दे करके सरकार बनाने वाला आदमी भी बड़ी बड़ी बात करता हो, जिस पर कई आरोप लगे हो, इसी बिहार में ये जो भागलपुर घोटाला हुआ, सृजन घोटाले से लेके ना जाने कितना घोटाला, वो भी बात करता हो, ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता। मेरा आग्रह है कि भाजपा सबसे बड़े अदानी जैसे लोगों को बढ़ाने में और भारत के पैसे को पूंजीपतियों को देने में जो मुख्य भूमिका निभाई, वो इस तरह की बात ना थोपे। झारखंड जो आज बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी पर बना है, आदिवासी और दलित इन भाजपा को पसंद नहीं होता है,
इन्हें सिर्फ मनुवादी चाहिए, इसीलिए इस तरह की रावण की बोली बोलते।